नमस्कार दोस्तों। तो माया के लेसन थ्री के अंदर हम अभी ये वाला डाइनिंग टेबल बनाने वाले हैं। यहाँ से अपने प्योर लेसन्स को डबल क्लिक से खोलते हैं। ऑल टेप से यहाँ से माया में आ जाते हैं। तो अपने इस चेयर को लेसन टू के अंदर क्रिएट किया था। तो अगर जिसने लेसन टू ना देखा हो तो उस पर आई बटन पर क्लिक करके लेसन टू देख सकता है। तो अपने अभी टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपने सबसे पहले काम करेंगे, इतने चेयर को अपने सिलेक्ट करेंगे, सारे पार्ट्स को उसके, और एडिट के अंदर आएंगे और यहाँ से इसको अपने ग्रुप कर देंगे। तो यहाँ से सारे पार्ट्स अपने इस ग्रुप वन के अंदर आ चुके हैं और यहाँ से अपने इस ग्रुप वन को पीछे की तरफ मूव कर देंगे ऐसे ही। अभी अपने पास यहाँ पे टेबल का मेजरमेंट दिया हुआ है 36 इंच, 60 इंच, और यहाँ से हाइट है कुछ 30 इंच। तो अपने यहाँ से पॉली मॉडलिंग में आना है और यहाँ से क्यूब के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे ड्रैग करना है फिर उसके ऊपर हाइट देनी है क्यूब को। अपने यहाँ से एक्स और जेड, पहले एक्स को पकड़ना और कंट्रोल से यहाँ से जेड को पकड़ना और यहाँ पे 0 लिखना, तो ऑब्जेक्ट ग्रिड के बीच में आ जाएगा। अभी यहाँ पे अपने को हाइट कितनी चाहिए, 30 इंचेस, तो यहाँ पे 30 लिखना है और वाई के अंदर इसकी आधी वैल्यू लिखनी है तो ग्रिड के ऊपर आ जाएगा। फिफ्थ के अंदर अपने लिखेंगे यहाँ पे 60 और डेप्थ के अंदर लिखेंगे 36। तो यहाँ पे अपने पास मेजरमेंट आ चुका है इसका। अब इस चेयर को अपने थोड़ा आगे मूव कर देते हैं, ग्रुप वन को पकड़ना और इसको थोड़ा आगे शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ से अपने को मेजरमेंट मिल चुका है टेबल बनाने के लिए पूरा। अभी यहाँ पे नीचे बेस का भी मेजरमेंट मिल रहा है अपने को, इधर नीचे का बेस आने वाला है। तो कुछ यहाँ पे अपना ये 45.6 इंच और 28.3 इंचेस है। तो अपने यहाँ पे काम करेंगे, इस वाले रेफरेंस को पकड़ते हैं, अभी राइट क्लिक करके वर्टेक्स में आना और यहाँ से नीचे के इतने वर्टेक्स पकड़ना है इसके, फिर अपने इसको ऐसा ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं ऑब्जेक्ट मोड। अभी यहाँ से फिर से एक क्यूब लेना है, नीचे ड्रैग करना है और ऊपर उसको हाइट देनी है, और यहाँ से एक्स और जेड के अंदर अपने इसको 0 कर देते हैं। अपने को यहाँ से विथ कितनी चाहिए, 45.6, और डेप्थ चाहिए यहाँ पे 28.3। अभी यहाँ से अपने वर्टेक्स में आएंगे, ऊपर के इतने वर्टेक्स को पकड़ेंगे और इसको ऐसा मूव करके ऊपर यहाँ तक रख देंगे। तो ये अपना ओवरऑल ब्लॉकिंग हो चुका है टेबल के लिए। अभी अपने आगे डिटेलिंग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से अपने पहले काम करेंगे, ये ऊपर का पार्ट बना लेते हैं, बाद में नीचे का जो इसका सपोर्ट है उसका भी ब्लॉकिंग बनाएंगे। यहाँ से भी इन दोनों ऑब्जेक्ट को पकड़ना है और यहाँ से अपने को आना है लेयर एडिटर के अंदर और यहाँ से आखिरी वाले बटन पर क्लिक करना है, क्रिएट अ न्यू लेयर एंड असाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, और इसको यहाँ से लेना है टेम्पलेट मोड में। यहाँ से अपने फिर से क्यूब लेंगे, यहाँ पे नीचे रखेंगे, उसके ऊपर हाइट देंगे, यहाँ से विथ लिख देते हैं अपना 60 और डेप्थ आएगी 36। उसको एक्स और जेड के अंदर 0 लिख के सेंटर में लेना है। अभी इसकी थिकनेस कितनी आ सकती है, तो जो अपने 1.5 से 2 इंच रख सकते हैं, 1.5 या फिर 2, तो 2 इंच लगभग बराबर लग रहा है। अभी यहाँ से अपने इसको ऊपर ले लेते हैं लगभग इतना। यहाँ पे टेबल के हिसाब से देखो थिकनेस सही लग रही है कि नहीं, अगर ज़्यादा लग रही है तो इसको अपने 1.5 करते हैं, ये लगभग सही लग रही है। फिर यहाँ से स्पेस बार दबा के साइड व्यू में आना और यहाँ से अपने ब्लॉकिंग के हिसाब से इसको मैच कर देते हैं लगभग इतना। अभी यहाँ से अपने इसकी एक और कॉपी निकालेंगे ये नीचे वाले पार्ट के लिए, तो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट निकालना और इसको ऐसा यहाँ से नीचे की तरफ मूव करना। यहाँ से अपने राइट क्लिक करके वर्टेक्स में आते हैं, ऊपर के इतने वर्टेक्स को पकड़ते हैं और यहाँ से इसको इस लाइन के ऊपर रख लेंगे।
राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड, अभी अपने इसको थोड़ा छोटा भी करना है, अंदर की तरफ डालना है, तो इसको अपने यहाँ से स्केल भी कर सकते हैं, यहाँ से स्केल पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे ध्यान रखना बीच में से स्केल मत करना, अगर अपने यहाँ से बीच में से स्केल कर रहे तो तीनों एक्सिस के अंदर स्केल हो रहा है, उसकी हाइट भी कम हो जाएगी, तो अपने इसको यहाँ से स्केल करना है, उससे क्या होगी उसकी हाइट कम नहीं होगी, सिर्फ एक्स और जेड के अंदर ही स्केल होगा। तो यहाँ से अपने इसको इतना छोटा कर देते हैं लगभग, और यहाँ पे एक दिक्कत क्या हो रही है उसमें, अपने यहाँ से प्योर रेफरेंस को साइड में लेते हैं और टॉप व्यू में आते हैं। अभी यहाँ से जेड के अंदर डिस्टेंस कम है और एक्स के अंदर थोड़ा ज़्यादा है, तो अपने को यहाँ पे एक्स में आके वापस थोड़ा स्केल करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ से अपने इसको इतना मैच कर दिया है, अभी अपने नीचे के सपोर्ट बनाते हैं इसको। यहाँ से क्यूब को लेना, नीचे यहाँ पे क्यूब लिया और उसके ऊपर हाइट दिया अपने, इसका मेजरमेंट कितना था 28.3 कुछ, तो यहाँ से लिखना है डेप्थ के अंदर 28.3 और यहाँ से जेड के अंदर 0 लिखना है। अब इसकी विथ कितनी होगी लगभग, तो उसको अपने एक्स के अंदर लिखते कुछ 6 इंच कितना लिख देते हैं, फिर इसको यहाँ पे साइड में ऐसा मूव करना, अभी कंट्रोल डी से इसकी एक और कॉपी निकालना, इसको अपने यहाँ पे ऊपर लेते हैं, अभी कंट्रोल डी से कॉपी निकालना और इसको अपने यहाँ से ऊपर मूव करते हैं, इसको यहाँ से इतना ऐसा लिया, राइट क्लिक करके वर्टेक्स में आना, इस वाले वर्टेक्स को पकड़ा, फिर शिफ्ट दबा के अगले वर्टेक्स को पकड़ा और यहाँ से इसको लगभग इतना ऊपर लेते हैं अपने। लगभग इसको इतना रखते हैं ऑब्जेक्ट मोड, और इसको थोड़ा छोटा भी कर देना कुछ करीब इतना, फिर से इस वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट निकाले, एक काम करके अपने नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसको डिलीट करना, यहाँ से क्यूब को लेना, इधर इतना क्यूब रखा, यहाँ पे अपने इसकी साइज सेम कर देते हैं विथ हाइट और डेप्थ के अंदर 5 लिखना, फिर इसको जेड के अंदर 0 लिख दो, तो यहाँ से सेंटर में आ जाएगा और इसको आगे की तरफ मूव करो इतनी, क्योंकि आगे यहाँ पे थोड़ी सी गैप होनी चाहिए उसकी, थोड़ा और छोटा कर सकते हो इसको अपना 4, अभी यहाँ से साइड व्यू में आके इसको लगभग यहाँ पे बीच में रखते अपने, राइट क्लिक करके वर्टेक्स में आ जाओ, ऊपर के इतने वर्टेक्स पकड़ो और इसको अपने यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, तो यहाँ पे सपोर्ट के लिए भी अपने ब्लॉक्स रख दिए, इसके अंदर से अपने ये वाला पार्ट बनाएंगे नीचे का, इस बीच वाले क्यूब के अंदर से अपने इस वाले पार्ट को बनाएंगे, और यहाँ पे ऊपर की तरफ भी ऐसे एक और पार्ट आएगा जिसके साथ ये अटैच हो गया। अभी अपने यहाँ पे नीचे वाले से शुरुआत करते हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट को अपने यहाँ पे पकड़ा, यहाँ पे स्पेस बार दबा के आ जाता हूँ पर्सपेक्टिव में, और यहाँ से अपने इसको ऑन कर देना वायर फ्रेम ऑन शेडेड, तो अपने को इसके ऊपर की एजेस भी दिखेगी। अभी यहाँ से क्यूब को पकड़ा, मेश डिस्प्ले में आना और उसके अंदर इंसर्ट एज लूप में, और यहाँ से अपने को मल्टीपल एज लूप के अंदर नंबर ऑफ एज लूप्स 2 रखना, और यहाँ से इस पर क्लिक कर देना है, फिर स्केल में आना और इसको अपने लगभग यहाँ तक स्केल कर देते हैं इतनी। ये वाला शेप भी अपने को क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी यहाँ से साइड में एक एज लेनी पड़ेगी,
तो यहाँ से अपने वापस आते हैं मेस टूल के अंदर, इंसर्ट एज लूप में, और यहाँ से एक एजिस लेना, एक एज यहाँ पे और एक एज यहाँ पे, फिर स्केल में आ जाना, इस वाले एज को पकड़ा, स्विफ्ट दबा के डबल क्लिक से इस वाले एज को पकड़ा, और यहाँ से अपने इसको इतना स्केल करते हैं ऑब्जेक्ट मोड, फिर से मेश टूल में आ जाओ और इंसर्ट एज लूप में आओ। अभी यहाँ से रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम एज रखना है और एक एज अपने यहाँ पे इधर नीचे की तरफ रखते हैं। मूव टूल में आ जाओ, अभी यहाँ से फेस मोड में आना है और अपने को नीचे के इतने फेस डिलीट करने हैं। यहाँ से अपने स्पेस बार दबा के साइड व्यू में आएंगे और ऐसा ड्रैग करके नीचे के इतने फेसेस को सिलेक्ट करेंगे और उसको फिर करना है डिलीट। स्पेस बार दबा के पर्सपेक्टिव में आ जाओ, अभी यहाँ से एजिस के अंदर आना है और ये सामने सामने के एजेस को अपने को ब्रिज करना है, तो यहाँ से अपने इतने एजेस को सिलेक्ट करेंगे और उस तरफ इतने एजेस। ब्रिज के अंदर एक चीज ध्यान रखना है कि सामने सामने सेम एजेस होने चाहिए, तभी ब्रिज होता है। अभी यहाँ से मैश, एडिट मैश में आना और उसके अंदर करना है ब्रिज, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ, फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करके वर्टेक्स में आते हैं, इस वाले वर्टेक्स को पकड़ा, शिफ्ट दबा के इस वाले वर्टेक्स को पकड़ा, फिर यहाँ से मूव टूल में आके अपने इसको ऐसा इतना नीचे की तरफ ले लेते हैं, लगभग कुछ इतना। यहाँ पे लग रही है बीच में से थोड़ी सी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, तो अपने क्या करेंगे यहाँ पे वर्टेक्स में आके इतने वर्टेक्स पकड़ेंगे और इसको मूव करेंगे ऐसे, कुछ इतना मूव किया इसको, ऑब्जेक्ट मोड। अभी यहाँ से अपने को ये वाला शेप बनाना है, ये दोनों एक ही पार्ट है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो अपने अभी यहाँ पे काम करेगा, इतने एरिया को बनाने के लिए अपने यहाँ पे एजिस में आते हैं, इन दोनों एजिस को पकड़ना यहाँ से और सामने की तरफ से इन दोनों एजिस को, और यहाँ से एडिट में इसके अंदर से कनेक्ट करना है, अपने को दोनों तरफ ऐसे एक एक एजेस मिलेगी, फिर इन दोनों एजेस को अपने यहाँ से लगभग इतना मूव करना है ऊपर की तरफ, अब यहाँ से फेस मोड में आना और यहाँ से इतने फेसेस को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना। अब यहाँ से वर्टेक्स में आ जाओ, ये दोनों तरफ के वर्टेक्स को पकड़ो, स्केल में आ जाओ और इसको यहाँ से थोड़ा ऐसा इतना दूर करते हैं, वापस फिर से एजिस में आ जाओ और यहाँ से इतने एजिस को अपने ब्रिज कर देते हैं और यहाँ से फिर से फेस में आना और इस वाले फेस को यहाँ से एडिट मेस में आके एक्सट्रूड करेंगे और इसको इतना ऊपर लेंगे। तो अपना कुछ ये वाला पार्ट ऐसा बन चुका है, यहाँ पे राइट क्लिक करके वर्टेक्स में आते और इसको थोड़ा ऊपर मूव करते हैं। जिसमें आ जाओ फिर से, अरे यहाँ से ऐसा अपने को कर्व बनाना है, इन दोनों एजेस को पकड़ा, एडिट मेस कनेक्ट और यहाँ से इसको ऐसा इतना नीचे लेना और थोड़ा अंदर, इन दोनों एजेस को पकड़ो फिर से, एडिट मेस कनेक्ट, अपने भी यहाँ पे आधा ही बनाने वाले, फिर आधे को मिरर कर देंगे ये वाला एरिया, इसको यहाँ से ऐसा ऊपर की तरफ मूव करो और थोड़ा आगे लो, इस वाले एज को पकड़ो कनेक्ट और इसको ऐसा नीचे ले लो, यहाँ से भी ऐसा मूव कर सकते हैं, इन दोनों एजेस को थोड़ा और आगे लेते हैं,
इस वाले इसको पकड़ो, एडिट मेस, और इसको करेंगे अपने बेवेल, तो उससे ये स्मूथ हो जाएगी ऐसे। और यहाँ पे दो एजेस ले लेते हैं, दो या तीन लगभग। इसको थोड़ा और इतना अंदर लेते हैं, अब यहाँ से इतने एरिया को भी अपने को स्मूथ करना है, और ये ऊपर वाले के लिए। तो यहाँ से फिर से अपने एजिस में आते हैं, शिफ्ट दबाओ और इस वाली एज को पकड़ो, एडिट मेस, बेवेल, लगभग ये सही लग रहा है इतना। एक और एज बढ़ा देते हैं, सेगमेंट टू, और ये सेगमेंट टू किया अपने, थोड़ा फ्लेक्शन भी बढ़ा देते हैं। यहाँ पे एजिस के बीच का डिस्टेंस लगभग, डिस्टेंस अपने को लगभग सेम करना है। यहाँ से इसके बोलते 0.7, अभी लगभग सही लग रहा है। और यहाँ से नीचे से इन तीन एजेस को पकड़ना, इसको थोड़ा आगे ले लेते इतना, और इसको यहाँ पर, और इन तीन एजेस को पकड़ना, एडिट मेस और बेगल करना, लगभग डिस्टेंस सेम ही लग रहा है। ऑब्जेक्ट मोड, और एक बार इसके ऊपर के एजेस को हटा, वायर फ्रेम ऑन शेडर, और देखो कैसा लग रहा है ऑब्जेक्ट। अगर लग रहा है थोड़ी और एजेस चाहिए तो मैनुअल एजेस डाल के अपने इसको और शेप दे सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से अपने साइड में आके वर्टेक्स में आते हैं, इनको यहाँ पे भी फिर से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं शेप देने के लिए सही। अभी लगभग सही लग रहा है। अभी अपने इतने शेप का मिरर यहाँ पे इस तरफ लगा देते हैं, तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, राइट क्लिक करके एजिस में आएंगे और बीच वाले एजिस को पकड़ेंगे और एडिट मेस के अंदर से कनेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके फेस मोड, और यहाँ से साइड के इतने फेस को अपने डिलीट करेंगे। यहाँ पे वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ, राइट क्लिक करके भी यहाँ से एडिट में आना, और अपने इसके कॉपी निकालते हैं, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, और यहाँ से इसको जेड के अंदर अपने को मिरर करना है। तो मिरर करने के लिए अपने को यहाँ पे स्केल के अंदर, पहले तो जेड जेड डायरेक्शन के अंदर करना है, तो स्केल जेड के अंदर यहाँ पे -1 लिखनी, तो ये उस तरफ मिरर हो गया है। तो मिरर के अंदर एक चीज ध्यान देनी अपने को, इसको पहले डिलीट करता हूँ, कि अपना जो पाइवट है वो एग्जैक्ट यहाँ पे इधर होना चाहिए। अगर समझो इसकी पोजीशन थोड़ी भी आगे पीछे हुई, समझो अपना पार्ट पर यहाँ पे इधर आ गया, और इसको अपने डुप्लीकेट निकालते हैं और जेड के अंदर -1 करते हैं, तो ये इधर से आगे मिरर हो जाएगा। तो पार्ट पॉइंट हमेशा हमारे बॉर्डर पे होना चाहिए एकदम, तो इसको वापस इधर लाना है अपने को। तो इसके लिए क्या करेगा, अपने डी दबाएंगे, डी से पार्ट पॉइंट एडिटिंग ऑन होता है, और अभी इसको अपने यहाँ पे इस तरफ लाना है, साइड में आ जाएगी अपने, और परफेक्ट इस वाली एज पर रखेंगे ऐसा। अभी मैं स्नैपिंग के ऑप्शंस नहीं दिखा रहा हूँ, इसको अपने अगले लेसन में रखेंगे, और वापस डी दबा देना तो उसमें से बाहर आ जाएंगे। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, और स्केल जेड के अंदर -1 करना, फिर यहाँ से दोनों ऑब्जेक्ट को पकड़ो, मैश में आना, और अभी इसको कंबाइन करना है। अभी ये क्या दोनों सेपरेट ऑब्जेक्ट है बराबर, तो अपने दोनों को यहाँ से कर देंगे मैश में आके कंबाइन, ये दोनों भी एक हो चुके हैं। तो अपने अभी इसको कंबाइन तो किया पर फिर भी दोनों अलग अलग ही है। अपने यहाँ से फेस मोड में आएंगे और यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अपने देख सकते हैं कि दोनों अभी भी सेपरेट हैं। तो यहाँ से अपने को एक काम करना है, राइट क्लिक करके वर्टेक्स में आना है, और यहाँ से बीच के वर्टेक्स को पकड़ना है, और इसको अपने यहाँ से एडिट में इसके अंदर आके मर्ज पर क्लिक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अपने को मिलता है डिस्टेंस थ्रेशोल्ड, तो ये 0.01 के डिस्टेंस के अंदर जितने भी वर्टेक्स होंगे उसको मर्ज कर देगी। तो यहाँ से ये वाले वर्टेक्स अपने पास पास में ही, तो वो सब मर्ज हो जाएगा। राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आना, और अभी वापस फिर से चेक करो फेस मोड में आके,
तेरे को मर्ज हो चुका है अच्छे से, तो ये अपना नीचे का इतना बेस बन चुका है बराबर। अभी अपने इस वाले को बनाते हैं, यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट इसके अंदर जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर फिट करना है इसको। तो अभी उसके लिए अपने काम कर गए, पहले इस वाले एज को अपने सिलेक्ट करते हैं और उसको कर देंगे बेवेल शॉर्ट में। यहाँ पे अपने को बीच में से दो एजेस लेंगे और इन दोनों एजेस को पकड़ना है और स्केल में आके इसको अपने इतना यहाँ तक ले लेंगे। ऑब्जेक्ट मोड मेश टूल में आना है और अभी यहाँ से आना है इंसर्ट एज लूप में, मल्टीपल एज लूप्स, और यहाँ पे लिखना है दो, और इस तरफ दो एजेस लेनी है। स्केल में आना है, यहाँ पर डबल क्लिक किया, शिफ्ट दबा के यहाँ पर डबल क्लिक किया, पूरा लूप सिलेक्ट हो जाएगा और इसको अपने यहाँ से ऐसा स्केल करना है इतना। राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओ। अभी इस वाले ऑब्जेक्ट को अपने यहाँ से ले गए आइसोलेट मोड में, यहाँ से फेसिस के अंदर आएंगे, इस वाले फेस को पकड़ेंगे और मैस एडिट मैस में आके इसको एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ ले गए इतना। ऑब्जेक्ट मोड आइसोलेट मोड से बाहर आ गए, ये अपना नीचे का ब्लॉक बन चुका है। अभी इस वाले पार्ट को बनाते हैं अपने, तो अपने यहाँ से फिर से आते हैं मैश टूल के अंदर, उसके अंदर यहाँ पे आना है इंसर्ट एज लूप में, मल्टीपल एज लूप के अंदर दो एजिस को लेके और यहाँ पे ऐसा क्लिक करेगी। मूव टूल के अंदर आना, राइट क्लिक करके वर्टेक्स में आते हैं, बीच के वर्टेक्स को अपने पकड़ते हैं, फिर स्केल में आना और यहाँ से इसको लगभग इतना स्केल करेगी कुछ इतना। अभी इस वाले पार्ट को अपने बनाते हैं, नेक्स्ट टूल में आना है इंसर्ट एज लूप, यहाँ पर लगभग लेते हैं अपने 6 एजेस और यहाँ पे ऐसा क्लिक करना है। स्केल में आना है, अभी अपने इसको ऐसा स्केल करके बड़ा कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से स्केल करके तो यहाँ पे दिक्कत क्या, और ये हाइट के अंदर भी स्केल हो रहा है, तो अपने इसको यहाँ से भी ऐसा स्केल कर सकते हैं, या तो कंट्रोल दबा के वाई के अंदर से स्केल करेंगे फिर भी उससे एक्स और जेड के अंदर भी स्केल हो जाए रिवर्स। तो अपने अभी यहाँ पे साइड में आएंगे और ये ऊपर वाले एज को छोड़ देना है, कंट्रोल डबल क्लिक तो वाला एज लूप छूट जाएगा। अभी इसको यहाँ से अपने कंट्रोल दबा के वाई के अंदर से स्केल करेंगे साइड में, इन दोनों को छोड़ देंगे, कंट्रोल डबल क्लिक और कंट्रोल दबा के इसको ऐसा स्केल करना इतना, कंट्रोल डबल क्लिक, कंट्रोल डबल क्लिक और कंट्रोल दबा के यहाँ से इतना स्केल किया। इसको थोड़ा नीचे भी लेना पड़ेगा, राइट क्लिक करके वर्टेक्स और यहाँ से बीच के इतने वर्टेक्स को पकड़ना, थोड़ा इसको स्केल करते हैं, मूव टूल में आकर नीचे की तरफ मूव करते हैं। अब इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ पहले शेप के हिसाब से, एजिस में आना, यहाँ पर डबल क्लिक करना और स्केल में आ जाओ, इसको थोड़ा मैन्युअली ऐसा सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे अपने लगभग शेप को मैच कर दिया है इसके साथ, इस वाले को थोड़ा सा स्केल कर देते खाली और थोड़ा नीचे मूव कर देते हैं। तो यहाँ से बीच वाला इतना पार्ट अपना बन चुका है, अभी इस वाले पार्ट को बनाते हैं। तो यहाँ से अपने आएंगे फिर से मैच टूल के अंदर इंसर्ट एज लूप में, यहाँ पे अभी इस बार लेके अपने दो एजेस, यहाँ से अपने को 1, 2, 3, 4 और 5 पांच पार्ट्स बनाना है, तो लगभग यहाँ पे लगे 4 एजेस,
और यहाँ पे से इतने लेने, इस वाले इसको पकड़ के ना ऊपर तक मूव किया, इसको भी लगभग उतना रखना है। बीच वाला एरिया अपना थोड़ा बड़ा होगा, इसको इतना रखना है। तो ये यहाँ पे नीचे इतना, तो यहाँ पे अपना इतना सेप बन चुका है। अब यहाँ से फेस बोर्ड में आना है और अपने बीच वाले फेस को यहाँ से पकड़ेंगे। पूरा लूप यहाँ से फेस का सिलेक्ट करना है, तो एक फेस को पकड़ो और शिफ्ट दबा के दूसरे अगले फेस पर डबल क्लिक करो, तो पूरा लूप सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ से एडिट मेश में आना है और उसके अंदर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से अपने इसको ऐसा आगे की तरफ एक्सपोर्ट करेंगे। लगभग यहाँ पर दिख रहा है अपने जो डिज़ाइन लिए है उससे थोड़ा सा आगे निकल रहा है, तो इस वाले डिज़ाइन से थोड़ा लगभग आगे लेना है इसको इतना। फिर यहाँ से इसको थोड़ा ऐसा स्केल करेंगे, यहाँ पे कोन के नीचे जैसा क्यूब जैसा आइकन दिख रहा है, तो वहाँ से इसको ऐसा स्केल कर सकते हैं इतना। अभी यहाँ से फेस मोड में आके इस वाले लूप को पकड़ा, शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक किया और यहाँ पे नीचे वाले पर डबल क्लिक, एडिट मेस एक्सट्रूड, इसको बाहर की तरफ निकालो इतना और फिर थोड़ा स्केल कर दो। ऑब्जेक्ट मोड, यहाँ पे एक चीज रह चुकी, थोड़ा सा यहाँ पे भी इतना एरिया फ्लैट होगा बीच वाला। अभी उसके लिए काम कर सकते हैं अपने, इस वाले एज को पकड़ो और नीचे वाले एज को पकड़ो और इसको अपने यहाँ से एडिट में इसके अंदर आके बेवेल करते हैं, थोड़ा सा इसका फ्लेक्शन कम कर देंगे 0.3 करके। अब ये सही लग रहा है। अभी इसी पार्ट को अपने ऊपर की तरफ भी शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ी सी इसकी हाइट कम लग रही है, ओवरऑल इतना जो एरिया दिख रहा है। तो अपने काम करते हैं, इसको वर्टेक्स में आते हैं और यहाँ से बीच वाले इतने वर्टेक्स पकड़ते हैं, फिर स्केल में आके इसको अपने यहाँ पे इतना ऐसा स्केल करेंगे थोड़ा बड़ा करने के लिए। यहाँ से ऊपर के इतने वर्टेक्स को पकड़ो और थोड़ा उसके ऊपर ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट मोड, अभी सेम है जो नीचे की तरफ अपना इतना पार्ट बना है उसकी कॉपी ऊपर की तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ से अपने आएंगे सबसे पहले आइसोलेट मोड में, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट निकालेंगे और यहाँ से इसको ऊपर की तरफ लेंगे ऐसा। अभी यहाँ से फेस मोड में आना है और ये जो ऊपर का इतना पार्ट दिख रहा है इसका अपने को कुछ काम नहीं है, इसको ऐसा डिलीट कर देंगे। यहाँ से डिलीट करते हैं, शिफ्ट डबल क्लिक डिलीट और डबल क्लिक करके डिलीट, इसको यहाँ से लगभग अपना ले लेते हैं यहाँ तक इतना। अभी यहाँ से एक और काम करना अपने को, इतना ऊपर वाला एरिया भी डिलीट करना है इसके अंदर से। तो फेस मोड में आके अपने ऊपर का इतना एरिया डिलीट करते हैं। ऑब्जेक्ट मोड, इसको ऐसा नीचे ले गए, आइसोलेट मोड में से बाहर आ जाना और यहाँ से इसको इधर तक रख देते हैं। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं इसमें आके कंबाइन करना, राइट क्लिक करके एजेस में आ जाओ, डबल क्लिक। वो देखो यहाँ से ये पूरा लूप सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि नीचे की तरफ फेस है, तो अगर इनको अपने सामने सामने ब्रिज करना है तो इस वाले फेस को हटाना पड़ेगा। फेस मोड में आके इस फेस को डिलीट करना, ब्रिज करने के लिए एज ब्रिज करना, तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज है बीच का एरिया ऐसा पूरा फॉल होना चाहिए। अभी एजेस में आ जाओ, यहाँ पर डबल क्लिक करो और नीचे डबल क्लिक करो, एडिट में इसमें आके ब्रिज इस वाले एज लूप को पकड़ा, इसको थोड़ा ऊपर मूव करो। अभी है ना, अभी कभी कभी माया के अंदर मटेरियल है ना गायब हो जाते हैं, तो अगर जहाँ पे कुछ मटेरियल ना तो वहाँ पे ऐसा ग्रीन कलर दिखाते हैं। इसको फिक्स करने के लिए अपन क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आएंगे एग्जिस्टिंग मटेरियल में,
और उसमें से लेना है लैम्बर्ट, तो उस पर अपना जो डिफॉल्ट मटेरियल है इसके ऊपर लैम्बर्ट वो वापस आ जाएगा। देखो जितना बेस अपना बन चुका है यहाँ पे, जैसे अपने यहाँ पे नीचे की तरफ पॉल बनाए इसको फिट करने के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट में, वैसे ही ऊपर की तरफ भी बनाना है। यहाँ से अपने आए गए मैश टू, एडिट मैश के अंदर इंसर्ट एज लुक में, यहाँ से मल्टीपल एज लुक के अंदर दो एजेस को लेना है, यहाँ पे क्लिक कर दिया इतना। फिर स्केल में आके इसको, फिर स्केल के अंदर आके इसको यहाँ से स्केल करना है। अभी यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, एक काम करेंगे इसको डबल क्लिक से पकड़ेंगे, स्विफ्ट दबा के वापस इसको सिलेक्ट करेंगे। अभी स्केल करो, तो इसको यहाँ से इतना स्केल किया, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, मैश टूल के अंदर आना, उसमें फिर से इंसर्ट एज लूप, और यहाँ पर इस तरफ दो एजेस को लेना है, स्केल में आ जाओ और इसको स्केल करो फिर से यहाँ तक। अब इसको आइसोलेट मोड में ले लो, फेस मोड में आ जाओ, और इस वाले फेस को अपने एडिट मेश में आके करेंगे एक्सपोर्ट ऊपर की तरफ, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, आइसोलेट मोड के बाहर आ जाओ। अब यहाँ से अपने साइड व्यू में आएगा वर्टेक्स मोड में, और ये बीच वाले ऑब्जेक्ट के टॉप के वर्टेक्स को ऐसे अंदर की तरफ ले गए, और इसको यहाँ से इधर रखना इतना। तो यहाँ से अपना इतना बीच वाला से भी सपोर्ट, अभी यहाँ से अपना इसका सपोर्ट भी बन चुका है। अभी इसके अपने कॉपी निकाल के सामने की तरफ लेते हैं, और एक खाली बीच में जो आखिरी वाला पार्ट आ रहा है उसको फिर बना देंगे, ऐसा ब्रिज आएगा बीच में। तो अपने भी यहाँ से इन तीनों को पकड़ेंगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट निकाले, इसको आगे की तरफ मूव किया, इसको यहाँ तक रख देंगे। अभी यहाँ से फिर से एक क्यूब लेना, चैनल बॉक्स, यहाँ से एक्स और जेड के अंदर चलते ना इसको जीरो, इसको ऊपर की तरफ मूव करो, स्केल में आ जाओ, और यहाँ से इसको ऐसा स्केल करो। यहाँ से अपने आते हैं अभी फ्रंट व्यू के अंदर, और इसको स्केल करके अभी हम मिडल माउस से स्केल कर रहा हूँ, अपने यहाँ से भी इसको ऐसा स्केल कर सकते हैं, और इस वाले एक्सिस को पकड़ा है अपने, और अगर मिडल माउस दबा के ऐसा स्क्रॉल करेंगे अपने मूव करेंगे तो स्केल होगा, इसको लगभग यहाँ तक ले लो इतना। देख लो कहाँ पर चाहिए ये, इसको ऐसा नीचे की तरफ लेना पड़ेगा इतना, और स्केल में आके इसको अपने लगभग इतना ले लेते हैं। तो यहाँ पे अपना ये टेबल का ब्लॉक बन चुका है, अभी अपने इसके अंदर बेवल करके डिटेलिंग ऐड करेगा, जैसे अपने इस चेयर के अंदर बेवल किया था वैसे इसको भी बेवल करेगा। अभी यहाँ से अपने जो टेम्पलेट मोड के अंदर ऑब्जेक्ट लेते हैं उनको डिलीट कर देते हैं, इनका काम हो चुका है। यहाँ से नॉर्मल मोड में आना, और इस वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट करो, और यहाँ से इस वाले को भी, ये रहा। अगर ऐसे सिलेक्ट करने में दिक्कत हो तो यहाँ पे लेयर के ऊपर राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इस लेयर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है वो अपना सिलेक्ट हो जाएगा, फिर इसको ऐसा डिलीट कर सकते हैं। और इस लेयर का भी कुछ काम नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो अपने डिलीट कर दिया, तो लेयर को डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करना इस पर और डिलीट लेयर करना, तो ये लेयर भी चला जाएगा। तो यहाँ पे अपना टेबल बन चुका है इतना, अब इसके अंदर अपने डिटेलिंग ऐड करेंगे।
यहाँ से ऊपर वाले पार्ट को पकड़ना है और यहाँ से एडिट मेश में आना है और इसको बेवल करना है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोड के अंदर इसको बेवल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई सपोर्टिंग एजिस नहीं है, सिर्फ कॉर्नर के एजिस हैं। तो एडिट मेश में आके इसको बेवल करो, फ्रैक्शन यहाँ से करते अपने 0.1 और सेगमेंट डालेंगे यहाँ पे 2, तो लगभग इतना सही लग रहा है। इसके लिए नीचे वाला ऑब्जेक्ट पकड़ो और यहाँ से एजेस को हटा देना, ये वाली वायर फ्रेम ऑन सेट है तो अच्छे से पता चलेगा कैसा होगा। तो अभी इस नीचे वाले को भी करते हैं कंट्रोल बी, फ्रैक्शन रखेंगे 0.1, सेगमेंट करेंगे 2। अभी इस वाले पे आ जाओ, इसको ले लो आइसोलेट मोड में, डब्ल्यू दबा के मूव टूल पे आ जाओ। अभी यहाँ पे अपने को ऑब्जेक्ट के अंदर इनपुट्स में कुछ हिस्ट्री दिख रही है, अपने इस पर जो एजिस इंसर्ट की थी वो और एक्सपोर्ट की भी हिस्ट्री दिख रही है। तो अभी इसका कुछ अपने को काम नहीं है तो इसको हटाने के लिए अपने यहाँ पे एडिट के अंदर आएंगे, उसके अंदर डिलीट बाई टाइप में जाएंगे और यहाँ से करेंगे हिस्ट्री पे क्लिक, तो इसके जो भी हिस्ट्री हो सब डिलीट हो जाएगी। इसका शॉर्टकट भी है यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट डी, और यहाँ पे सेल्फ के अंदर भी अपने को इसका शॉर्टकट मिल रहा है यहाँ पे डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री। अभी अपने यहाँ से राइट क्लिक करके एजिस में आएंगे, अभी यहाँ से अपने को सिर्फ कॉर्नर के एजिस को बेवल करना है, ये वाली को और यहाँ पे नीचे अंदर वाले इसको, ये सपोर्टिंग एजिस को बेवल नहीं करनी है। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, ड्रैग करके पहले सारे एजिस को पकड़ेंगे, फिर कंट्रोल दबा के डबल क्लिक करके इस वाले लूप पे और यहाँ से इस वाले लूप पे, वैसे ही कंट्रोल डबल क्लिक और कंट्रोल डबल क्लिक, तो जो बीच की सपोर्टिंग एजिस थी ये वाली वो डी सिलेक्ट हो जाएगी अपनी और सिर्फ कॉर्नर की एजिस अपनी रहेगी। तो अपने को इसी को ही सिर्फ टेबल करना है। अभी यहाँ से एडिट मेश के अंदर आना है और क्लिक करना है बेवल पे। इसको देते अपने यहाँ से फ्रैक्शन 0.2, अभी इसका फ्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा रखना, ये स्मूथ लगना चाहिए थोड़ा है। और राइट क्लिक करके आ जाओ ऑब्जेक्ट मोड में, आइसोलेट मोड के बाहर आ जाओ। अभी यहाँ से अपने को गैप भी अच्छे से दिख रही है इसकी, वैसे इस वाले को भी बेवल करते हैं, आइसोलेट मोड में ले लो उसको। यहाँ पे ऊपर की तरफ अपने को हॉल दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां पे अपने को ध्यान जाने नहीं वाली, और अगर फील करना है तो फील भी कर सकते हैं। उसको अपने ब्रिज कर देते हैं, इन दोनों ये इसको पकड़ के ब्रिज कर दिया। अभी यहाँ से इसके कॉर्नर के सारे एजेस को अपने बेवल करेगा, राइट क्लिक करके एजेस में आ जाओ और सारे एजेस पकड़ो। अभी अपने को यहाँ पे बीच वाले एजेस को बेवल नहीं करना है तो कंट्रोल डबल क्लिक से उसको छोड़ देना, कितने एजेस का, और बाकी के सारी कॉर्नर के एजेस अपने सिलेक्ट हो चुकी हैं। अभी इसको अपने करेंगे कंट्रोल बी से बेवेल, एक फ्रैक्शन बढ़ा देंगे, सेगमेंट बढ़ाएंगे इसका 2। ऑब्जेक्ट मोड देख लो कैसा लग रहा है, काफी शार्प लग रहा है, इसको थोड़ा अपने को और स्मूथ करना है। तो यहाँ पे टी दबाएंगे अपने और इसका फ्रैक्शन बढ़ाएंगे 0.7 या फिर 0.8, अभी देखो कैसा लग रहा है, अभी कुछ सही लग रहा है। इसको आइसोलेट मोड के बाहर ले लो ऐसा ही, ये अभी भी काफी शार्प लग रही है। यहाँ से अपने फ्रैक्शन इसका करेंगे 1, पर भी यहाँ पे इधर दिक्कत हो रही है, जैसे अपने फ्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे इधर बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है एजिस का। तो अभी इसके लिए काम करते अपने इसको अंडू करेंगे, इस वाले इसको छोड़ो डबल क्लिक करके, अभी बीच के एजिस को भी छोड़ देना ये वाली और नीचे की तरफ से इन दोनों को, कंट्रोल डबल क्लिक
अब इसको करेंगे कंट्रोल बी से बेवेल। अभी देखो फ्रैक्शन की लेंथ थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब इसको फ्रैक्शन से बढ़ा रहे तो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। इसको अपने करेंगे लगभग 0.7 सेगमेंट करेंगे दो, राइट क्लिक करके आएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट लग रहा है। टी दबाना ये वाले ऑप्शन को खोलने के लिए, इसको 0.5 करते हैं, अभी कुछ सही लग रहा है। आइसोलेट मोड के बाहर आ जाओ। अभी आखिर में अपना ये वाला पार्ट बाकी है, इसको बेवल करते हैं। यहाँ से इसकी हिस्ट्री उड़ाने के लिए अपने सेल्फ में आएंगे और इस पर क्लिक करेगा डिलीट बाय टाइप, इसकी सारी हिस्ट्री निकल जाएगी। यहाँ से इसको भी लेके आइसोलेट मोड में, अभी यहाँ से अपने को इसको बेवल करना है सिर्फ कॉर्नर के एजेस का। अभी तो मैं इसकी सारी एजेस फटाफट सिलेक्ट कर लेता हूँ डबल क्लिक, शिफ्ट डबल क्लिक, शिफ्ट डबल क्लिक, यहाँ से शिफ्ट डबल क्लिक किया। ध्यान रखना है सिर्फ कॉर्नर के एजेस को पकड़ना है। तो यहाँ पे अपने कॉर्नर की सारी चीज सिलेक्ट हो चुके हैं, ये बीच के बाकी रहेगी इसको पकड़ लेते हैं। अब इसको करेंगे अपने बेवल, एडिट मेश और बेवल, थोड़ा यहाँ से अपने सेगमेंट बढ़ा देते हैं इसका, दो करेंगे और फ्रैक्शन कम करेंगे 0.3, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आना। अभी यहाँ पे एक छोटी सी ध्यान देने खाली, यहाँ से जब अपने इसको जूम करके देख रहे हैं तो बेवेल तो हो चुका, पर फिर भी यहाँ पे थोड़े हार्ड फेसेस दिख रहे हैं अपने को। यहाँ पे साइड में क्लिक कर देते हैं, तो इस पर काम करके अपने मैच डिस्प्ले में आके करेंगे सॉफ्टन एजिस, तो इसके जो एजिस है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। जैसे हर एक को कर देंगे अपने यहाँ से, इसमें भी वही दिक्कत दिख रही है, एजेस सॉफ्ट नहीं है इसकी। तो यहाँ से मैश डिस्प्ले में आके सॉफ्टन एजेस, तो यहाँ से इन सबको कर देते अपने। इतने ऑब्जेक्ट को पकड़ा, मैश डिस्प्ले और सॉफ्टन एजेस। अभी इसको यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट सॉफ्टन में करना, बाकी ऐसा कुछ ब्लैक शेड दिखेगा क्योंकि इसके एजेस को अपने बेवेल नहीं किया। और इसको बेवेल करके तो ये भी सही हो जाएगा। एडिट मेस, बेवेल 0.1, सेगमेंट 2, इसके एजेस देख लो, अभी सॉफ्टन करनी पड़ेगी, हार्ड एज दिख रही है यहाँ पे बीच में, तो मेस डिस्प्ले में आके सॉफ्टन एज, और ये हिस्ट्री को उड़ा देना इसकी। अभी इतने पार्ट को अपने डिलीट कर देंगे। ओ यहाँ पे लोचा हो गया है, ये वाला एरिया अपना बेवल नहीं हुआ है। यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, ये साइड का एरिया अपना इतना बेवल नहीं हुआ है, ये वाले एजेस सिलेक्ट करने की रह गई थी। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अपने इसको मिरर कर देंगे यहाँ पे एक्स के अंदर, राइट क्लिक करके एजिस में आना और यहाँ से इतने बीच के एजिस को पकड़ना, और अपने यहाँ पे एडिट मेश में आके करके इसको कनेक्ट। फिर यहाँ से फेस मोड में आना और साइड के इतने फेस पकड़ना ये वाला, और उसको कर देना डिलीट। और यहाँ से एक्स के अंदर अपने मिरर करेंगे, एडिट के अंदर आके डुप्लीकेट और स्केल एक्स के अंदर आके -1, दोनों ऑब्जेक्ट को पकड़ो, दोनों अभी सेपरेट ऑब्जेक्ट है अपने। अभी यहाँ से मैश में आके करेंगे इसको कंबाइन, फिर भी ये दोनों सेपरेट ही हैं, तो अपने क्या करेंगे वर्टेक्स में आएंगे और यहाँ से बीच के वर्टेक्स को पकड़ेंगे सारे,
और एडिट में इसमें आके मर्ज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं अपने वर्टेक्स मर्ज हुए कि नहीं, तो एक वर्टेक्स को पकड़ो और उसको मूव करके देखना, कंट्रोल जेड से अंडू करना, फिर ये मर्ज हो चुका है। अब इस बीच वाले इसका अपने को कुछ काम नहीं है तो इसको हटा देते हैं, डबल क्लिक, और एडिट में इसमें आते हैं डिलीट एज ऑब्जेक्ट मोड, तो ये सही हो चुका है। यहाँ से इन तीनों ऑब्जेक्ट को पकड़ना, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट निकालना, डुप्लीकेट का शॉर्टकट है, इसको आगे की तरफ लेना। यहाँ से फ्रंट व्यू में आते हैं, इसको ऐसे आगे मूव करो, मिडल माउस दबा के भी मूव कर सकते हो इसको। तो यहाँ से अपना टेबल बन चुका है, तो अभी अपने साइड के टेबल को बनाना है। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो आप इसको आराम से देखिए।
होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर।